अभी साथियों का शिक्षा मनोविज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपने बात कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के एक प्रकरण बुद्धि पर, जिसे इंटेलिजेंसी भी कहा जाता है। आने वाली आगामी भर्तियों में, चाहे तो रीट भर्ती परीक्षा है, चाहे द्वितीय श्रेणी या चाहे प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा है, उसमें बुद्धि के प्रश्न मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। आज इस क्लास में हम बात करेंगे कि बुद्धि का अर्थ क्या है, विशेषताएं क्या है और बुद्धि कितनी प्रकार की बताई गई है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि बुद्धि शब्द आया कहां से है। अपने देखें कि चाहे तो शिक्षा मनोविज्ञान में कह लीजिए या चाहे मनोविज्ञान में कह लीजिए कि मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम बुद्धि शब्द पर जिस बंदे ने प्रयोग किया था वो बंदा था फ्रांसिस गोल्टन। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द पर बात करने वाला बंदा है फ्रांसिस गोल्टन ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। आपको याद रखना है कि ऐसा तो प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग करने वाला बंदा कौन सा है, तो 1885 में फ्रांसिस गोल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। अब अपने बात करते हैं कि बुद्धि क्या है। आमतौर पर देखा जाता है कि जो लोग कहते हैं कि जो जल्दी ज्यादा की सवालों को हल कर लेता है, जिसकी सोचने की क्षमता तेज है, जिसको जिसमें क्या है, जो ज्यादा तो जानता है, कहते हैं कि उसकी बुद्धि तेज होती है। पर अपने देखते हैं कि बुद्धि होती क्या है, क्या है बुद्धि। देखिए, बुद्धि आमतौर पर अगर आप कर्मों में पढ़ोगे, बुद्धि का अर्थ शक्ति से है, बुद्धि का अर्थ क्या है, योग्यता से है। तो देखिए, बुद्धि क्या है, एक शक्ति है, बुद्धि एक योग्यता है, बुद्धि एक शक्ति है, या आप इसको कह सकते हो कि बुद्धि एक योग्यता है। क्या करने की, विभिन्न कार्य करने की। क्या करने की, विभिन्न कार्य करने की। कि बुद्धि बहुत सी कार्यों को करने की एक सामूहिक योग्यता या शक्ति है बुद्धि। दूसरी बात, पहली विशेषता बताई कि बुद्धि अर्थवाद पर बात कर रहे हैं कि बुद्धि होती क्या है। बुद्धि एक शक्ति है, बुद्धि एक योग्यता है, जो क्या है कि मानव अब इसके बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। बिना बुद्धि कहते हैं कि मानव व्यवहार को संचालित करने वाली शक्ति बुद्धि होती है। कि हम जितने भी कार्य करते हैं उनको जो बता कौन रहा है, बुद्धि बता रही है। मानव के पास एक शक्ति है जो मानव के समस्त व्यवहार को संचालित करेगी। आगे देखिए, बुद्धि जन्मजात होती है। क्या होती है, जन्मजात। मतलब कहने का अर्थ है कि जो पैदा हुआ है उसमें बुद्धि जरूर होगी। वो अलग बात है कि किसी में जीरो होती है, किसी में 90 से 110 है, आप पढ़ कर आए हो, किसी में 120 है, 130 है, 140 है, बहुत से, वो अलग मैटर है। होती सब में भिन्न भिन्न है, पर होगी सब में। इसका अर्थ है कि बुद्धि क्या है, जन्मजात होती है, कि जो पैदा हुआ उसमें बुद्धि जरूर होती है। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि बुद्धि निम्न में से कौन सा घटक है, जन्मजात है या अर्जित है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि बुद्धि क्या है, जन्मजात घटक होती है। आगे, बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्य है। बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्य है। कहने का अर्थ है कि बुद्धि दिखती नहीं है। दो तरह घटक होते हैं, एक होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त। मूर्त चीजें जो हम देख सकते हैं और अमूर्त चीजें जो हम नहीं देख सकते। तो बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्य है जिसको देखा नहीं जा सकता। आगे देखिए, बुद्धि कहते हैं कि सीखने की क्षमता है। बुद्धि सीखने की क्षमता है। बुद्धि जिस व्यक्ति की कहते हैं कि बुद्धि तेज होती है, उसकी सीखने की क्षमता तेज होती है। सीखना जिसे आप अधिगम कहते हैं, लर्निंग कहते हैं हम, कि बुद्धि एक सीखने की क्षमता है। बिना जिसकी बुद्धि तीव्र होगी, उसकी सीखने की क्षमता भी तीव्र होगी। देखिए, बुद्धि का संबंध मानसिक या मस्तिष्क से माना जाता है। बुद्धि का संबंध मानसिक या मस्तिष्क से माना जाता है। आपने एक शब्द सुना होगा, वो शब्द है मानसिक संक्रियाएं। बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं कि सर मानसिक संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए, बुद्धि का काम है मानसिक संक्रियाएं करना। बुद्धि का काम है मानसिक संक्रियाएं करना। वो क्या है, सोचना, विचारना, जानना, पहचानना, चिंतन करना, मनन करना, तर्क करना, वितर्क करना, आगमन करना, संश्लेषण करना, विश्लेषण करना। जैसे आप आमतौर पर देखते हैं कि प्रत्यास्मरण, प्रत्याभिबोध, प्रतिभासित, ये सारे काम क्या है, मानसिक संक्रियाएं हैं। और कौन कर रहा है, ये बुद्धि कर रही है। कौन कर रहा है, ये बुद्धि कर रही है। दो घटक आपने जाने होंगे, एक घटक होता है वंशानुक्रम और एक घटक होता है वातावरण। इन घटकों के बारे में देखिए, वैसे तो ये घटक क्या है कि दो, आप बहुत से मनोविज्ञान में जितने टॉपिक हैं, चाहे आप बाल विकास को मान लीजिए, चाहे आप अधिगम को मान लीजिए, चाहे व्यक्तित्व को मान लीजिए, ये घटक दोनों को प्रभावित करते हैं। पर एक बात देखो, दो प्रकार के घटक होते हैं, एक घटक होता है जन्मजात, एक घटक होता है अर्जित।
जन्मजात का अर्थ है जन्म से, अर्जित का अर्थ है जो व्यक्ति ने जन्म के बाद सीखा वो अर्जित घटक होता है। दो बातें हैं, बुद्धि को दोनों ही घटक प्रभावित करते हैं, वंशानुक्रम भी करेगा और वातावरण भी करेगा, पर बुद्धि एक जन्मजात घटक है, बुद्धि एक जन्मजात घटक है। इसलिए याद रखना है कि जो जन्मजात घटक होते हैं उनको वंशानुक्रम अधिक प्रभावित करता है और जो अर्जित घटक होते हैं उनको वातावरण अधिक प्रभावित करता है। तो ये बात है, वंशानुक्रम होता है पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का स्थानांतरण, तो जन्मजात घटकों में वंशानुक्रम की भूमिका अधिक होती है और जो अर्जित घटक होते हैं उनमें वातावरण की भूमिका अधिक होती है। आगे बुद्धि क्या है, अनुकूलन करने की योग्यता है। बुद्धि क्या है, अनुकूलन करने की योग्यता है। अनुकूलन क्या होता है, अब आता है कि अनुकूलन क्या है। अनुकूलन क्या है कि परिस्थितियों के अनुसार ढल जाना, परिस्थितियों के अनुसार ढल जाना। जब तक व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करेगी तब तक वो क्या है कि परिस्थितियों के अनुसार नहीं ढलता। इसलिए अनुकूलन करने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति की बुद्धि की मानसिक संक्रियाएं सही रूप से काम करें। आगे हम पढ़ रहे हैं कि बुद्धि समायोजन करने की क्षमता है, बुद्धि समायोजन करने की क्षमता है। अभी यह हल्का सा रचित तो क्या है कि समायोजन पूरा कंसेप्ट है, आपकी आपके पाठ्यक्रम में समायोजन पूरा टॉपिक है, परंतु हल्की सी बात करते हैं समायोजन पर कि समायोजन क्या होता है। समायोजन मनोविज्ञान में समायोजन का संबंध आवश्यकता से होता है, वो भी समय के अनुसार। यदि समय अनुसार आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं तो व्यक्ति समायोजित, अन्यथा असमायोजित। और उसमें क्या है कि व्यक्ति की मानसिक संक्रियाएं बिगड़ जाती हैं और मानसिक संक्रियाओं को सही करने के लिए बुद्धि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए कहते हैं कि बुद्धि समायोजन करने की योग्यता होती है। आगे अपने बात कर रहे हैं कि बुद्धि क्या क्या काम करेगी। एक बात याद रखिए, मानव के व्यवहार को संचालित करने वाली शक्ति क्या है, बुद्धि है। आगे बुद्धि कोई एक इकाई न होकर बहुत सी इकाइयों का समूह होती है, बहुत सी इकाइयों का क्या होती है, समूह होती है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बुद्धि क्या है कि एक खंड है, बुद्धि कभी एक खंड ये नहीं होती। आपने पढ़ा होगा कि बुद्धि का एक खंड ये सिद्धांत आया, अल्फ्रेड बिने ने दिया था, परंतु आपने इसमें ये बात भी पढ़ी कि वो सिद्धांत क्या है कि एक समय के बाद अमान्य हो गया, क्योंकि आगे आने वाले मनोवैज्ञानिक एक बात कह रहे थे, वो ये बात कह रहे थे कि बुद्धि कभी एक खंड ये नहीं हो सकती। एक बात सिंपल सी थ्योरी आप आमतौर पर देखिए कि एक व्यक्ति क्या है कि वो धार्मिक भी हो सकता है, वही व्यक्ति सामाजिक भी हो सकता है, वही व्यक्ति आर्थिक भी हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि कभी एक खंड नहीं होती, बुद्धि तो क्या है बहुत सी इकाइयों का क्या होती है, समूह होता है। मनोविज्ञान ये भी मानता है, मनोविज्ञान मानता है कि 16 वर्ष की आयु तक सभी मानसिक संक्रियाएं, 16 वर्ष की आयु तक सभी मानसिक संक्रियाएं यानी कि बुद्धि अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। पूर्णता को प्राप्त करने का अर्थ यह है कि जितनी मानसिक संक्रियाएं विकसित होनी है वो 16.5 साल की उम्र तक हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखना प्रारंभ कर देता है। जैसे आप आगे आप बढ़ेंगे, कैटल का एक सिद्धांत आएगा कर्ण और ठोस बुद्धि का, तो वो बताएगा कि 16 साल से पहले की बुद्धि तो क्या होती है, जन्मजात होती है, और उसके बाद वाली बुद्धि क्या है, वो क्या है कि अर्जित होती है। तो हम बात कर रहे हैं बुद्धि पर। जैसे मैंने आपको बताया कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गोल्टन ने किया था। आपको ये प्रश्न है कि चाहे तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में पूछे, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में पूछे, तो ये याद रखना है कि फ्रांसिस गोल्टन उस बंदे का नाम है जिसने मनोविज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। तो बुद्धि एक शक्ति होती है, योग्यताएं होती हैं, जो क्या है कि विभिन्न तरह के कार्य संचालित करती है। चाहे बुद्धि जन्मजात घटक होती है, बुद्धि क्या है कि वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, बुद्धि क्या है कि एक अमूर्त संपत्ति है, मेरे कहने का अर्थ है बुद्धि को देखा नहीं जा सकता, ठीक है। बुद्धि सीखने की क्षमता है, बुद्धि क्या है कि बुद्धि का संबंध मानसिक संक्रियाओं यानी कि मस्तिष्क से होता है, बुद्धि क्या है कि वंशानुक्रम और वातावरण से दोनों से प्रभावित होती है, परंतु अधिक प्रभावित किससे होगी, वंशानुक्रम से होगी, क्योंकि बुद्धि एक जन्मजात घटक है। आगे हम बात कर रहे हैं कि बुद्धि अनुकूलन करने की क्षमता होती है, फिर बात कर रहे हैं कि समायोजन करने की क्षमता होती है, फिर मैंने एक बात बताई कि बुद्धि कभी एक खंड नहीं होती, बुद्धि तो क्या है कि बहुत सी इकाइयों का समूह होती है, ठीक है। 16 वर्ष की आयु तक सभी मानसिक संक्रियाओं को पूर्ण कर लेती है। आगे हम पढ़ेंगे कि बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के बारे में अलग अलग बातें कही हैं, ठीक है। उसमें यदि हम देखें तो 3 तत्व मुख्य रूप से सामने आ रहे हैं। देखिए उसमें हम देखें 3 तत्व मुख्य रूप से सामने आते हैं। वो तत्व है कि एक कई मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बुद्धि सीखने की क्षमता है, कई मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बुद्धि क्या है कि समायोजन की क्षमता है, और कई मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बुद्धि क्या है कि
अचेतन यानी कि अमूर्त संपत्तियों की क्षमता है। बुद्धि की परिभाषा को लगभग तीन भागों में बांटा गया। जो बात कर रहे थे कि कई मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बुद्धि समायोजन करने की क्षमता है, कई मनोवैज्ञानिक एक बात कहते हैं कि बुद्धि क्या है, सीखने की क्षमता है, और कई मनोवैज्ञानिक एक बात कहते हैं कि बुद्धि क्या है कि अमूर्त चिंतन करने की क्षमता है। देखिए वैसे तो अपने बात कर रहे हैं कि बुद्धि क्या है कि समायोजन भी करने की क्षमता होती है, अधिगम सीखने की क्षमता भी होती है, वातावरण के साथ समझित करने की क्षमता भी होती है, अनुकूलन की क्षमता भी होती है, ठीक है। मैं शुरू से एक बात बता रहा हूँ कि मानव के व्यवहार को संचालित करने वाली शक्ति क्या है, बुद्धि है। यदि बुद्धि ना हो तो मानव अपने व्यवहार को संचालित नहीं कर पाता। परंतु मैं परिभाषाओं के रूप में एक चार्ट बता रहा हूँ आपको। समाधन स्टर्न, एक मनोवैज्ञानिक है स्टर्न, एक मनोवैज्ञानिक है क्रूंज और एक मनोवैज्ञानिक है फ्रीमैन। ये तीन बंदे ऐसे हैं जिन्होंने यह कहा कि बुद्धि समायोजन करने की क्षमता है। एक मनोवैज्ञानिक है स्टर्न, एक मनोवैज्ञानिक है क्रूंज और एक मनोवैज्ञानिक है फ्रीमैन। ये तीन बंदे ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि बुद्धि क्या है, समायोजन करने की क्षमता है। आगे अपने बात कर रहे हैं बुद्धि सीखने की क्षमता। बकिंगम थॉर्नडाइक फ्रीमैन और मैकडूगल, इन्होंने ये बात कही कि बुद्धि क्या है, सीखने की क्षमता है। बुद्धि क्या है, ये सीखने की क्षमता। मेरे कहने का अर्थ है कि अधिगम करने के लिए बुद्धि आवश्यक है। उसके बाद एक बात है कि अमूर्त चिंतन के बारे में, अमूर्त चिंतन के बारे में जो बंदा बात कह रहा था वो है बिने स्पीयरमैन और फ्रीमैन। इन्होंने कहा कि बुद्धि क्या है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। आप एक बात देखिए, आप जो मैं बात बताना चाह रहा हूं कि हमें परिभाषाओं को कैसे पकड़ना पड़ेगा इसमें। यदि ये थीम कामयाब हो गई पकड़ने में तो आप बुद्धि के बारे में यदि पेपर में परिभाषा आती है तो उसको लगाने में आप कामयाब हो जाओगे। देखिए समायोजन, तीन बंद याद रखने हैं, स्टर्न क्रूंज और फ्रीमैन। स्टर्न क्रूंज और फ्रीमैन, ये तीन बंदे एक बात कह रहे हैं कि बुद्धि समायोजन करने की क्षमता है, सीखने अधिगम की क्षमता। बकिंगम थॉर्नडाइक फ्रीमैन और मैकडूगल इन्होंने कहा था कि बुद्धि सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की क्षमता। बिने स्पीयरमैन और फ्रीमैन, इन्होंने कहा कि बुद्धि क्या है, अमूर्त चिंतन की क्षमता है। एक बंदा तीनों में कॉमन है, वो बंदा है फ्रीमैन। इसकी परिभाषा एक बार आई, वो परिभाषा थी कि बुद्धि समायोजन अधिगम और अमूर्त चिंतन करने की क्षमता है। तो फ्रीमैन परिभाषा में यह बात याद रखनी है कि फ्रीमैन की परिभाषा में तीन ही बातें हैं कि फ्रीमैन कहता है कि बुद्धि सीखने के लिए भी आवश्यक है, बुद्धि समायोजन के लिए भी आवश्यक है और बुद्धि अमूर्त चिंतन के लिए भी आवश्यक है। अल्फ्रेड बिने का नाम आपने सुना होगा। अल्फ्रेड बिने बुद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका नाम इसे आम बुद्धि मापन में आप अल्फ्रेड बिने को पढ़ोगे और उसके बारे में जानोगे कि अल्फ्रेड बिने को बुद्धि मापन का जनक कहते हैं। सर्वप्रथम बुद्धि मापन पर जो बंदा बात कर रहा था वो अल्फ्रेड बिने था, ठीक है। क्यों उसे बुद्धि मापन का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक आपने सूत्र पढ़ा है बुद्धि का कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु की उदाहरण दी थी। तो बिने की परिभाषा है, उस परिभाषा को देखिए। बिने की परिभाषा में बिने ने कहा कि बुद्धि के अर्थ में चार शब्द निहित हैं। वो चार शब्द देखो कौन कौन से उसने बताए। एक बताया ज्ञान, एक बताया आविष्कार और एक बताया निर्देश और एक बताया आलोचना। तो देखो बिने ने कहा कि चार तरह के कारक बुद्धि में काम करते हैं। एक तो ज्ञान, ठीक है, दूसरा आविष्कार, तीसरा निर्देश और चौथा आलोचना। मतलब बिने के अनुसार ज्ञान को ग्रहण करने, किसी नई चीज को जन्म देने, कोई मार्गदर्शन प्रदान करने और किसी चीज की आलोचना को करने के लिए बुद्धि महत्वपूर्ण कार्य काम करती है। फिर एक परिभाषा है वुडवर्थ की। वुडवर्थ क्या कहता है बुद्धि के बारे में। वुडवर्थ ने कहा कि कार्य करने की क्षमता ही बुद्धि है। कार्य करने की क्षमता ही क्या है, बुद्धि है। देखो कई बार क्या है कि परिभाषा रोज की आई। रोस ने कहा था कि नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। मैंने ये बताया कि वैसे जो हम पीछे बात कर रहे थे जिस सारणियों पर कि स्टर्न क्रूंज और फ्रीमैन,
इन तीनों बंदों ने बुद्धि को समाजन की क्षमता माना है। फिर हम बात कर रहे थे कि बिने स्पीयरमैन और फ्रीमैन इन तीनों बंदों ने क्या योग्यता माना है, अमूर्त चिंतन को। फिर हम बात कर रहे थे कि ये बकिंगम, थॉर्नडाइक और फ्रीमैन इन बंदों ने बुद्धि को सीखने की क्षमता माना। मैंने एक बात बताया कि बिने की परिभाषा है, बिने ने कहा कि बुद्धि के चार शब्द नीत होते हैं, एक शब्द होता है ज्ञान, एक शब्द होता है आविष्कार, एक शब्द होता है निर्देश और एक शब्द होता है आलोचना। इन चारों का मेल ही वो कहता है कि बुद्धि है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे बुद्धि के प्रकारों पर। अब तक हमने बात की है कि बुद्धि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, फिर हमने बात की कि बुद्धि का अर्थ क्या है, फिर हम बात कर रहे थे बुद्धि की परिभाषाओं पर, फिर हमने बात की थी बुद्धि की विशेषताओं पर। तो कुछ कुछ मेन मेन बातें ये है कि बुद्धि क्या है कि एक जन्मजात क्षमता होती है, बुद्धि क्या है कि अमूर्त संप्रत्यय होता है बुद्धि का, बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है, अमूर्त संप्रत्यय है, बुद्धि कभी एक इकाई नहीं होती, ये तो बहुत सी इकाइयों का क्या होती है, समूह होती है। आगे हम बात करेंगे बुद्धि के प्रकार पर। आगे हम बात कर रहे हैं बुद्धि के प्रकार पर। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के प्रकार बताए, तो उसमें से जो मुख्य रूप से आप बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के प्रकार बताए हैं, परंतु जो मुख्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान की किताबों में देखा जा रहा है, दो बंदे ऐसे हैं जिनका वर्गीकरण बुद्धि के बारे में मुख्य रहा है। एक तो है थॉर्नडाइक और एक है गैरेट। इन्होंने तीन तीन प्रकार की बुद्धि बताई, थॉर्नडाइक और गैरेट ने तीन तीन प्रकार की बुद्धि बताई है। थॉर्नडाइक ने बताया यांत्रिक बुद्धि, एक होती है यांत्रिक बुद्धि, दूसरी उसने बताया एक बुद्धि होती है अमूर्त बुद्धि, तीसरी उसने बताया बुद्धि होती है सामाजिक। थॉर्नडाइक ने तीन प्रकार की बुद्धि बताई, यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। गैरेट ने भी तीन तरह की बुद्धि बताई है, गैरेट ने बताया मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। गैरेट ने बताया मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। देखिए, देखो भाई, हम अब देखो थॉर्नडाइक ने बताया कि तीन तरह की बुद्धि होती है, यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। गैरेट ने बताया कि तीन तरह की बुद्धि होती है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। उपनामों पर बात करते हैं अपने, यांत्रिक बुद्धि को गामक बुद्धि भी कहा जाता है, इसी को मूर्त बुद्धि भी कहा जाता है। यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं और मूर्त बुद्धि भी कहते हैं, क्योंकि आप पढ़ोगे इसको स्थूल बुद्धि भी कहा जाता है। ठीक है, अमूर्त बुद्धि और इधर भी अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, गैरेट की भी सामाजिक बुद्धि। मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि इन दोनों का वर्गीकरण समान है। इन दोनों का वर्गीकरण क्या है, समान है कि जो मूर्त बुद्धि है वही यांत्रिक बुद्धि है। ठीक है, उसको गामक बुद्धि भी कहते हैं, स्थूल बुद्धि भी कहते हैं। अमूर्त बुद्धि थॉर्नडाइक ने बताई, अमूर्त बुद्धि गैरेट ने बताई है, अमूर्त बुद्धि थॉर्नडाइक, सामाजिक बुद्धि थॉर्नडाइक ने बताई है और गैरेट ने भी क्या है, सामाजिक बुद्धि बताई है। अब हम बात करेंगे कि इसमें इन्होंने क्या वर्गीकरण दिया। तो आपको याद रखना है कि थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार, थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार बुद्धि तीन प्रकार की होती है, यांत्रिक, चाहे आप उसको गामक कह लो, चाहे आप उसको मूर्त कह लो, अगली होती है अमूर्त और उससे अगली होती है सामाजिक। अब हम बात करेंगे कि इन्होंने यांत्रिक बुद्धि के बारे में क्या बताया, अमूर्त बुद्धि के बारे में क्या बताया और सामाजिक बुद्धि के बारे में क्या बताया। देखिए, सबसे पहले अपने बात करेंगे यांत्रिक बुद्धि पर, यांत्रिक बुद्धि किस तरह की बुद्धि होती है। देखो, यांत्रिक बुद्धि का संबंध थॉर्नडाइक और गैरेट जो है वो क्या है कि एक बात को बता रहे थे। देखिए, पहली बुद्धि है यांत्रिक बुद्धि। देखो भाई, यांत्रिक बुद्धि का आप देखोगे तो यांत्रिक बुद्धि का संबंध मशीनों या उपकरणों से माना गया है, मशीनों या उपकरणों से माना गया है। देखिए, इस बुद्धि को गामक बुद्धि, इस बुद्धि को मूर्त बुद्धि भी कहा जाता है। इस बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि या इस बुद्धि को मूर्त बुद्धि भी कहा जाता है। देखिए, मशीनों या उपकरणों से काम करने वाले या उसको समझने वाले जो लोग होते हैं, वो थॉर्नडाइक और गैरेट एक बात कह रहे हैं कि उस प्रकार के लोग क्या है, वो क्या है कि यांत्रिक बुद्धि के होते हैं। इस तरह के लोग क्या है, यांत्रिक बुद्धि के होते हैं। मेरे कहने का अर्थ है कार्य करने वाले लोग, या जो क्या है कि ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से कार्य करते हैं। कार्य करना, व्यवहार को संचालित करना, जो लोग ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से कार्य करते हैं वो क्या है कि यांत्रिक बुद्धि के माने है थॉर्नडाइक और गैरेट ने, जिसमें क्या मुख्य रूप से कारीगर है। ठीक है, मुख्य रूप से
इंजीनियर है, ठीक है, और कोई जैसे जो काम करते हैं, डॉक्टर को मूर्त बुद्धि का माना गया, डॉक्टर को मूर्त बुद्धि का माना गया है, ठीक है। उसके बाद अपने बात कर रहे हैं के? आगे अपने बात कर रहे हैं अमूर्त बुद्धि पर। देखिए अमूर्त बुद्धि में क्या है कि आप पढ़ोगे आगे, हम बात पहले भी बात कर चुके हैं कि दो तरह के घटक होते हैं, एक होता है मूर्त यानी जिसको देखा जा सकता है, एक होता है अमूर्त जिसको देखा नहीं जा सकता, ठीक है। मानसिक संक्रियाएं अमूर्त होती है, मानसिक संक्रियाएं अमूर्त होती है। तो अमूर्त बुद्धि का बहुत सी किताबें आप पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि कई किताबें ये भी कहती हैं कि पुस्तक के ज्ञान का संबंध अमूर्त बुद्धि से होता है। आमतौर पर देखें यदि मनोवैज्ञानिक अवधारणा को देखें तो अमूर्त बुद्धि का संबंध किससे है, तर्क वितर्क से। तर्क वितर्क से अमूर्त बुद्धि की अवधारणा मानी गई है कि किसी काम को करने में तर्क वितर्क चिंतन इन चीजों की आवश्यकता पड़े उसे अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। जैसे क्या है कि दार्शनिक जो होते हैं वो अमूर्त बुद्धि के होते हैं, दार्शनिक जो होते हैं वो अमूर्त बुद्धि के होते हैं। जैसे अपने बात करें कि इतिहासकार जो होते हैं वो क्या है कि अमूर्त बुद्धि के होते हैं, ठीक है। कई बार एक विद्यार्थी बात पूछता है कि सर शिक्षक बताओ किस बुद्धि का होता है, तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि शिक्षक एक ऐसा प्राणी है जिसमें तीनों तरह की बुद्धि है, उसमें क्या है कि मूर्त भी होती है, अमूर्त भी होती है और सामाजिक भी होती है, ठीक है। परंतु पुस्तकीय ज्ञान होने के कारण उसे कई बार प्रश्नों में अमूर्त बुद्धि में रखा जाता है, ठीक है। आगे देखिए सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि ऐसे लोग जिनका क्या है कि समाज के साथ सीधा संबंध होता है, या वो समाज में रहकर ज्यादा काम करते हैं तो उस तरह के लोगों की बुद्धि क्या होती है, सामाजिक होती है। जैसे राजनेता, जैसे राजनेता समाज सेवी, ये लोग किस तरह की बुद्धि के होते हैं, ये लोग होते हैं सामाजिक बुद्धि के। तो देखिए हम थॉर्नडाइक और गैरेट के वर्गीकरण को पढ़ रहे हैं जिसमें उन्होंने तीन तरह की बुद्धि बताई, एक बताई यांत्रिक जिसको गामक और मूर्त भी कहते हैं, एक बताई अमूर्त और एक बताई सामाजिक। यांत्रिक का एक बात याद रखना है कि सीधा संबंध होता है मशीनों से या उपकरणों से, जो काम करते हैं वो होते हैं यांत्रिक बुद्धि के लोग या मूर्त बुद्धि के लोग, ठीक है। मतलब इसमें कार्यकर्ता कार्य किया जाता है, व्यवहार किया जाता है। तो एक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पेपर में आया कि व्यवहारिक बुद्धि कौन सी होती है, ये पेपर में आया व्यवहारिक बुद्धि कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है व्यवहारिक बुद्धि यांत्रिक या गामक या मूर्त बुद्धि को कहा जाते हैं। बहुत बार मैं लिखा हुआ देखता हूँ कि लिखा हुआ होता है कि सामाजिक बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं, वो गलत है। व्यवहारिक बुद्धि मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि या गामक बुद्धि को ही कहा जाता है, ठीक है। आगे है अमूर्त बुद्धि, जिस बुद्धि में तर्क वितर्क चिंतन किया जाता है वो बुद्धि अमूर्त बुद्धि होती है। दार्शनिक इतिहासकार इस बुद्धि के लोग होते हैं। तो सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि राजनेता जो लोग समाज सेवा में ज्यादा काम करते हैं, समाज के साथ उनका सीधा संपर्क होता है, उस तरह लोगों की बुद्धि सामाजिक बुद्धि होती है। राजनेता समाज सेवी इस तरह के लोग सामाजिक बुद्धि के माने जाते हैं। आगे हम बात करेंगे बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों पर, उसके बाद बात करेंगे बुद्धिमापन पर, वो आगे की ऑनलाइन कक्षाओं में।